भारतीय तट के पास हिंद महासागर में लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर यानी कि जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि ईरान से लॉन्च किए गए ड्रोन से शनिवार तड़के हिंद महासागर में एक रासायनिक टैंकर को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद जहाज में आग लगा दी गई, हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया है। यह जहाज सऊदी अरब के एक बंदरगाह से भारत के मंगलौर आ रहा था। पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा कि मोटर जहाज यानी कि CHEM प्लूटो पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, जिसका मालिकाना हक जापानी कंपनी के पास है और नीदरलैंड से संचालित होता था।